हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी गाइस आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सेफ्टी ऑफिसर इस वीडियो में हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन फील्ड में सेफ्टी ऑफिसर से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसका आपको आंसर कैसे करना है तो आइए आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे फर्स्ट व्हाट इज सेफ्टी? यानी सेफ्टी क्या है आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं सेफ्टी इज डिफाइंड एज द फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन विच कैन कॉज हार्म टू पर्सन एनवायरमेंट एंड प्रॉपर्टी यानी सेफ्टी का मतलब है ऐसे कंडीशन से फ्रीडम जो किसी पर्सन एनवायरमेंट और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सके सेकंड, वट इज हज़ार्ड यानी हजार्ड क्या है आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं हजार्ड इज एनीथिंग और कंडीशन विच हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म यानी ऐसी कोई भी चीज़ या कंडीशन जिससे चोट पहुंच सके उसे हज़ार्ड बोलते हैं जैसे कि शार्प एज अनगार्डेड वर्किंग प्लेटफॉर्म स्लिपरी सर्फिस अगर आप फ्री सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं तो ये रील पूरी देखें गूगल पे सर्च करें सेफ्टी एम जी एम टी स्टडी टॉप कॉर्नर में सर्च करें फ्री सर्टिफिकेट यहाँ पे ढेरों फ्री सेफ्टी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आप ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं इसमें सेफ्टी रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स की नॉलेज आपको मिलेगी और फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा किसी एक टॉपिक पे क्लिक करें नीचे आपको ऑनलाइन सेफ़्टी टेस्ट का फॉर्म मिलेगा ज़रूरी इंफॉर्मेशन फिल करें टेस्ट कंप्लीट करें और फ्री सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पाए ऐसे ही सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करें थर्ड व्हाट इज रिस्क यानी रिस्क क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं यानी किसी से नुकसान पहुंचने की संभावना या चांस को रिस्क बोलते हैं नेक्स्ट वॉट इज इंजुरी क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं इंजुरी इज द हार्मफुल कंडीशन सस्टेन्ड बाई द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट यानी इंजुरी एक हार्मफुल कंडीशन है जो एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप शरीर को पहुंची है नेक्स्ट वट इज एक्सीडेंट यानी दुर्घटना क्या है आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो एक्सीडेंट इज एन अनवॉन्टेड एंड अनप्लैंड इवेंट विच कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एनवायरमेंट एंड इवन डेथ टू अ पर्सन यानी एक्सीडेंट एक अनप्लैंड और अनवॉन्टेड इवेंट है जिसके होने से प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट को नुकसान होता है और किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है नेक्स्ट वट इज नियर मिस यानी नियर मिस क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं नियर मिस इज एन अनवॉन्टेड एंड अनप्लैंड इवेंट विच डू नॉट कॉज एनी हार्म बट इट हैड पोटेंशियल टू कॉज हार्म यानी नियर मिस एक अन और अनप्लैंड इवेंट है जो किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाता है लेकिन उसमें हार्म करने की क्षमता थी नियर मिस को हम बाल बाल बचना भी बोलते हैं एग्जाम्पल फॉलिंग ऑफ अ हैमर विदाउट हिटिंग एनी वन वट आर द कॉमन हजार्स एट कंस्ट्रक्शन साइट यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉमन हजार क्या क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं कॉमन मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मूविंग व्हीकल स्लिप ट्रिप एंड फॉल नॉइज वर्क एट हाइट हैंडलिंग कलेप्स ऑफ सॉइल कलेप्स ऑफ स्ट्रक्चर एसबेस्टस इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा नेक्स्ट वॉट इज वर्क एट हाइट यानी वर्क एट हाइट क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं वर्क एट हाइट मीन्स एनी वर्क अबव वन पॉइंट एट मीटर यानी 1.8 मीटर के ऊपर जो एक्टिविटी हो वो वर्क एट हाइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग क्या है इसका आंसर आप ऐसे बता सकते हैं स्कैफोल्डिंग इज अ प्लेटफॉर्म यूज टू सपोर्ट मैन एंड मटीरियल ड्यूरिंग वर्क एट हाइट यानी स्कैफोल्ड एक टेम्पोर प्लेटफॉर्म है इसका यूज हम हाइट पे मैन और मटेरियल को होल्ड या सपोर्ट देने के लिए करते हैं नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड यानी स्कैफोल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं तो स्कैफोल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे कि फर्स्ट है मोबाइल स्कैफोल्ड इस स्कैफोल्ड को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं नेक्स्ट है स्टैटिक स्कैफोल्ड ऐसे स्कैफोल्ड को हम मूव नहीं कर सकते स्टैटिक स्कैफोल्ड के एग्जाम्पल्स हैं कपलॉक स्कैफोल्ड नेक्स्ट कैंटिलीवर स्कैफोल्ड नेक्स्ट हैंगिंग स्कैफोल्ड नेक्स्ट बर्ड केज स्कैफोल्ड अगर ओशा के अनुसार देखें तो स्कैफोल्डिंग टेन टाइप्स के हैं ओशा के वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है आप चेक कर सकते हैं वट आर दैजर्ड्स ऑफ स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग के क्या खतरे हैं फर्स्ट यूज ऑफ डैमेज स्कैफोल्डिंग कम्पोनेंट्स यानी स्कैफोल्डिंग के लिए डैमेज कंपोनेंट यूज करना सेकेंड स्कैफोल्डिंग इरेक्शन ऑन अन ईवन और लूज ग्राउंड यानी अन इवन और लूज ग्राउंड पे स्केफोल्ड खड़ा करना थर्ड इम्प्रॉपर टाई एंड ब्रेसिंग यानी स्कैफोल्ड को सही से टाई नहीं करना और ब्रेसिंग इम्प्रॉपर होना फोर्थ फॉल ऑफ पर्सन एंड मटीरियल यानी पर्सन और मटीरियल गिरने का खतरा फिफ्थ इम्प्रॉपर गार्ड रेल

स्कैफोल्डिंग मस्ट बी टाइड इफ रिक्वायर्ड एंड ब्रेसिंग मस्ट भी प्रोवाइडेड जहां जरूरत है स्कैफोल्ड टाई होना चाहिए और ब्रेसिंग लगा होना चाहिए फिफ्थ टॉप रेल मिड रेल टो बोर्ड स्कैफोल्डिंग में लगा होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ स्कैफोल्ड यानी स्कैफोल्ड के कम्पोनेंट क्या है तो स्केफोल्डिंग के काफी सारे कम्पोनेंट हैं जैसे कि फर्स्ट सोलबोर्ड सेकेंड बेस प्लेट थर्ड लेजर फोर्थ

नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ए लैडर शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द वर्किंग प्लेटफॉर्म यानी लैडर प्लेटफॉर्म से कितना ऊपर निकला होना चाहिए तो इसका आंसर है मिनिमम ऑफ वन एम थ्री फीट नेक्स्ट क्वेश्चन सेफ्टी नेट के बारे में पूछ सकता है सेफ्टी नेट के लिए वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में पेंड है आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट व्हाट इज हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल यानी रिस्क कंट्रोल के लिए हायरार्की क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं द हायर आर्की ऑफ कंट्रोल इज अस्टम फॉर कंट्रोलिंग रिस्क इन दर्क प्लेस यानी हायर आर्की ऑफ रिस्क कंट्रोल एक सिस्टम है जिससे रिस्क को कंट्रोल करते हैं इसमें फाइव टर्म्स हैं एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन इंजीनियरिंग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एलिमिनेशन क्या है एलिमिनेशन का यहाँ मतलब हैज़र्ड को कम्प्लीटली रिमूव कर देना एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज किसी हाइट पे एक फैन लगा है उसकी एक विंग डैमेज damage है डैमेज विंग को रिप्लेस करने के लिए एक टेम्पररी प्लेटफार्म बनाया गया है अगर कोई वर्कर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर विंग चेंज करेगा तो वहां फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल का रिस्क है और अगर हम फैन को ग्राउंड पे लाके फिर विंग चेंज करते हैं तो फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल का रिस्क नहीं रहेगा तो ये मेथड एलिमिनेशन है एलिमिनेशन सबसे इफेक्टिव मेथड है क्योंकि यहां हैजर्ड कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और अगर हम फैन को ग्राउंड पे लाके फिर विंग चेंज करते हैं तो फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल का रिस्क नहीं रहेगा तो ये मेथड एलिमिनेशन है एलिमिनेशन सबसे इफेक्टिव मेथड है क्योंकि यहाँ हैजर्ड कम्पलीटली रिमूव हो जाता है नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है हैजर्ड को मिनिमाइज करना आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज एक कन्फाइंड स्पेस में जॉब करना है कन्फाइंड स्पेस में फ्लैमेबल गैस हो सकता है और इसकी वजह से फायर होने का रिस्क है फाइंड स्पेस में लाइटिंग की भी प्रॉब्लम होती है तो लाइट के लिए हम बल्ब या लैम्प यूज करते हैं अगर हम सफिशेंट लाइट के लिए 240 फोर्टी वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो किसी फॉल्ट की वजह से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो स्पार्क की वजह से फायर एक्सीडेंट हो सकता है तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम 24 फोर वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ताकि स्पार्क का रिस्क कम हो और फायर के चांसेस कम हो तो ऐसे मेथड को सब्सटीट्यूशन बोलते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल इस मेथड में हम इंजीनियरिंग मेथड से हैजर्ड को आइसोलेट करते हैं जैसे कि अगर कोई मशीन का रोटेटिंग पार्ट है तो उस पर कवर गार्ड लगाना ताकि कोई रोटेटिंग पार्ट के कांटेक्ट में ना आए या किसी तरह की कोई ऑटो स्टॉप डिवाइस लगाना इस तरह के कंट्रोल को इंजीनियरिंग कंट्रोल बोलते हैं नेक्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फर्स्ट फोर मेथड अप्लाई करने के बाद जो रिस्क बच जाता है तो उससे पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं ये लास्ट मेथड सबसे कम इफेक्टिव होता है ऐसा इसलिए क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने से हैजर्ड खत्म नहीं होता बस हैजर्ड और पर्सन के बीच एक बैरियर बन जाता है नेक्स्ट वॉट इज आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट हिरा को हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट बोलते हैं हिरा एक फॉर्मलाइज प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी जॉब में क्या हैजर्ड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क असेसमेंट करते हैं हीरा कैसे करते हैं और उसके लिए फॉर्मेट कैसा होता है उससे पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जानना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हैजर्ड हैजर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या कंडीशन जो किसी पर्सन या इन्वायरमेंट को हार्म कर सके जैसे कि वर्किंग ऑन अनगार्डेड प्लेटफॉर्म एंड हॉट वेदर कंडीशन सेकेंड रिस्क किसी भी हैजर्ड से हार्म होने को जो प्रोबेबिलिटी है उसे रिस्क बोलते हैं रिस्क इज ऑल्सो लाइव्लीहुड मल्टीप्लाइड बाई सेवेरिटी थर्ड लाइटलीहुड क्या है लाइटलीहुड को प्रॉबिलिटी भी बोलते हैं लाइटलीहुड का मतलब है किसी हैजर्ड का औकर होने का चांसेज सेवेरिटी को हम कॉन्सिक्वेंस भी बोलते हैं सेवेरिटी का मतलब है किसी हैजर्ड का इम्पैक्ट लाइटलीहुड और सेवेरिटी को हम रिस्क मेट्रिक्स में और अच्छे से समझेंगे रिस्क मेट्रिक्स रिस्क मेट्रिक्स क्या है आइए जानते हैं रिस्क मेट्रिक्स एक टूल है जिसकी हेल्प से रिस्क असेसमेंट के दौरान रिस्क लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं अभी आप जो ये टेबल देख रहे हैं ये फाइव इस टू फाइव का एक रिस्क मैट्रिक्स है इसमें सबसे नीचे रिस्क लेवल दिया है वन टू सिक्स लो रिस्क लो रिस्क एक्सेप्टेबल होता है एट टू ट्वेल्व मीडियम रिस्क मीडियम रिस्क कंडीशन में प्रॉपर सुपरविजन और प्रिकॉशंस के साथ काम कर सकते हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव हाई रिस्क हाई रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है इस कंडीशन में जॉब नहीं कर सकते चलिए अभी जानते हैं रिस्क मैट्रिक्स से रिस्क लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ दो फीट है, Second, की 5 है. पे जब हम करते हैं, तो फॉल ऑफ पर्सन का रिस्क होता है अभी हम दोनों स्कैफोल्ड की रिस्क लेवल कैलकुलेट करेंगे रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इन टू फर्स्ट स्कैफोल्ड पे गार्ड रेल्स लगे हैं तो फॉल के चांसेस अनलाइकली यानी कम है तो यहां प्रोबेबिलिटी टू है फर्स्ट स्कैफोल्ड की हाइट 15 फीट है जहां से फॉल होने से फेटेलिटी हो सकता है तो सेवेरिटी वेरी हाई है यानी फाइव है तो फर्स्ट केस में रिस्क लेवल टू इस टू फाइव यानी टेन है रिस्क मैट्रिक्स में टेन मीडियम रिस्क है नाउ सेकंड स्कैफोल्ड सेकंड स्कैफोल्ड में गार्ड रेल्स नहीं लगे हैं तो यहां रिस्क ऑफ फॉल वेरी लाइकली यानी काफी ज्यादा है यानी प्रोबेबिलिटी फाइव है स्कैफोल्ड की हाइट फाइव फीट है इस हाइट से फॉल होने से फ्रैक्चर और सीरियस इंजरी हो सकता है तो यहां मॉडरेट यानी यहाँ है तो रिस्क लेवल टू है रिस्क रिस्क में हाई लेवल है तो आप ऐसे रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क लेवल लोकेशन और जॉब कंडीशन के अकॉर्डिंग हाई और लो हो सकता है चलिए अभी हम फॉर्मेट से समझते हैं हीरा कैसे प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं फर्स्ट टाइटल एक एग्जाम्पल है अगर जेएसए और हीरा डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च करे डब्ल्यू 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 डॉट सेफ्टी एम जी एम टी स्टडी डॉट कॉम नेक्स्ट सीरियल नंबर नेक्स्ट है इम्पैक्ट नेक्स्ट एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स पहले से क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं नेक्स्ट प्री रिस्क लेवल यानी पहले रिस्क लेवल कितना था नेक्स्ट एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यानी और क्या प्रिकॉशंस लेना है नेक्स्ट पोस्ट रिस्क लेवल यानी अभी रिस्क लेवल क्या है नेक्स्ट एक्शन बाय यानी बायसिबल पर्सन कौन है जो एक्शन लेगा तो ये फॉर्मेट रेडी हो गया अभी हीरा प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं यहां हम फर्स्ट स्कैफोल्ड के बेस पे हीरा प्रिपेयर करेंगे हैजर्ड है स्कैफोल्ड विदाउट गार्ड रेल्स स्कैफोल्डिंग पे गार्ड रेल्स नहीं है तो ये एक हैजर्ड है यहाँ कॉन्सिक्वेंस हैं वर्कर्स कैन फॉल एंड दे कैन सफर फ्रॉम सीरियस इंजरी फ्रैक्चर अगर पहले से कोई कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं तो यहां मेन्शन कर सकते हैं सपोज ट्रेनिंग दिया गया है तो मैंशन करेंगे ट्रेनिंग प्रोवाइडेड प्री प्री रिस्क रिस्क लेवल लेवल क्या था हमने पहले कैलकुलेट किया है प्रोबेबिलिटी फाइव एंड सेवेरिटी थ्री था टोटल रिस्क लेवल फिफ्टीन अभी क्या एडिशनल सेफ्टी मेजर्स चाहिए तो यहां मेंशन करेंगे प्रोवाइड गार्ड रेल्स पोस्ट रिस्क असेसमेंट डिशनल प्रिकॉशंस के बाद रिस्क लेवल रिड्यूस होना चाहिए अभी हमने गार्ड रेल इंस्टॉल किया है तो अभी फॉल के चांसेस काफी लो हैं तो प्रोबेबिलिटी वन होगा सेवरटी सेवेरिटी यहां अभी थ्री है जैसा कि पहले था क्योंकि अभी हाइट फाइव फीट ही है अगर किसी वजह से पर्सन फॉल होगा तो सेम लेवल ऑफ इंजरी होगा तो यहां सेवेरिटी थ्री है टोटल पोस्ट रिस्क लेवल वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री इक्वल टू थ्री यानी पोस्ट रिस्क लेवल थ्री है जो कि लो रिस्क है और एक्सेप्टेबल है एक्शन टेकन एक्शन कौन लेगा इसमें आप साइट तो इस ऐसे कर सकते हो एक्सकवेशन इज मेड कट और कैविटी बाय रिमूविंग ऑफ सॉइल फ्रॉम अर्थ मैन्युअली और बाय मशीनरी यानी एक्सकवेशन एक मैन मेड कट या गड्ढा है जिसे मैन्युअली या मशीन की हेल्प से अर्थ से सोइल को रिमूव करके बनाया गया हो नेक्स्ट वॉट आर द टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन के टाइप्स क्या हैं? इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन फर्स्ट मैनुअल एक्सकवेशन यानी हैंड टूल से मैनुअली एक्सकवेट करना सेकेंड मैकेनिकल एक्सकवेशन यानी मशीन्स का यूज करके एक्सकवेशन करना नेक्स्ट वॉट आर द हैजर्ड्स ऑफ एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन में क्या खतरे हैं इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो फर्स्ट कलेप्स ऑफ सोइल यानी एक्सकेवेशन के दौरान या आफ्टर एक्सकेवेशन मिट्टी का ढहना या गिरना सेकंड फॉल ऑफ पर्सन इन एक्सकेवेटेड पिट यानी एक्सकेवेशन में किसी पर्सन का गिरना थर्ड वाटर लॉगिंग यानी एक्सकेवेशन के समय पानी का जमा होना फोर्थ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जैसे कि पावर केबल वाटर लाइन गैस एंड फ्यूल लाइन यानी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज भी एक हैजर्ड है फिफ्थ मूवमेंट ऑफ व्हीकल नियर एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन के पास व्हीकल का मूवमेंट सिक्स इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस यानी आने जाने का प्रॉपर रास्ता ना होना नेक्स्ट वॉट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर एक्सकवेशन यानी एक्सकवेशन के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट प्रोवाइड शोरिंग बेंचिंग और स्लॉपिंग टू प्रिवेंट कलेप्स ऑफ सोयल यानी सोयल कलैप्स ना हो उसके लिए शोरिंग बेंचिंग और स्लॉपिंग टेक्निक यूज करना शोरिंग एक सिस्टम है जिसमें वुडन या मेटल बोर्ड से सोयल को सपोर्ट देते हैं ताकि ना हो बेंचिंग मेथड में हम बेंच शेप में एक्सकवेशन करते हैं ताकि सोयल कोलेप्स ना हो स्लोपिंग में हम सोयल को एक एंगल पे स्लोप बनाते हैं ताकि सोयल कोलैप्स ना हो सेकंड, बैरिकेड एक्सकोटेड एरिया एंड डिस्प्ले वार्निंग साइनेज टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन यानी फॉल ऑफ पर्सन को रोकने के लिए एक्सकेवेटेड एरिया को बैरिकेड करे और वार्निंग साइनेज लगाए थर्ड यूज वाटर पंप टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सकवेशन यानी पानी जमा ना हो उसके लिए वाटर पंप का इस्तेमाल करें। फोर्थ आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बिफोर एक्सकवेशन एंड टेक ग्राउंड क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लाइंट यानी एक्सकेवेशन से पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का पता करें और क्लाइंट से ग्राउंड क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले और हो सके तो ऐसे एरिया में मैन्युअल एक्सकवेशन करें. फिफ्थ हीकल मूवमेंट नियर एक्सकवेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ एंड स्ट्रेथ सोइल एंड एक्सकवेशन यानी एक्सकेवेशन की डेप्थ और सोयल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग व्हीकल मूवमेंट की मूवमेंट को प्रिवेंट करे नेक्स्ट वॉट इज यानी ट्रेंच क्या है इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं ट्रेंच इज अक्सवेशन डेप्थ इज ग्रेटर फीट यानी ट्रेंच ऐसी एक्सकवेशन है जिसका गहराई चौड़ाई से ज्यादा होता है और ट्रेंच की लंबाई 15 फीट से ज्यादा नहीं होता है नेक्स्ट वट इज सस्पेंशन ट्रामा एंड सस्पेंशन ट्रामा सेफ्टी स्ट्रैप यानी सस्पेंशन ट्रामा क्या है और सस्पेंशन ट्रामा सेफ्टी स्ट्रैप क्या है आइए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। सस्पेंशन ट्रामा को हार्नेस हैंग सिंड्रोम भी बोलते हैं जब कोई वर्कर सेफ्टी हार्नेस के साथ काम करता है और किसी मिस्टेक की वजह से हाइट से गिर के हार्नेस में हैंग हो जाता है अगर 15 मिनट्स तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती है और वर्कर हार्नेस में लटका होता है तो वर्कर सस्पेंशन ट्रॉमा से सफर करता है हार्नेस में लटके होने की वजह से लेग स्ट्रैप काफी टाइट हो जाता है जिसकी वजह से आर्टरीज या आप कहो पैर की नस से ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है जिसकी वजह से पैर पैरलाइज की हालत में हो जाते हैं इसी इफेक्ट को सस्पेंशन ट्रॉमा बोलते हैं नेक्स्ट सस्पेंशन ट्रॉमा सेफ्टी स्ट्रैप सस्पेंशन ट्रॉमा सेफ्टी स्ट्रैप को डिजाइन किया गया है ताकि सस्पेंशन ट्रॉमा से वर्कर को बचाया जा सके ये एक स्ट्रैप होता है जिसे वर्कर अपने लेग्स में लगा के हैंगिंग के समय आर्टरीज और वेन्स को रिलीफ दे सकता है इससे ब्लड क्लॉट नहीं होता और वर्कर सेफ रहता है अगर सस्पेंशन ट्रॉमा से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट व्हाट इज फाइव एस इन सेफ्टी यानी सेफ्टी में फाइव एस क्या है फाइव एस हाउस का एक इफेक्टिव मेथड है इसमें फाइव डिफरेंट टर्म्स हैं फर्स्ट सॉर्ट यानी वर्क पे जो भी अनवांटेड मटेरियल है उन्हें रिमूव करना और वर्क पे केवल जरूरत की इक्विपमेंट या मटेरियल रखना सेकंड सेट इन ऑर्डर यानी वर्क पे जो भी इक्विपमेंट और मटेरियल है उन्हें अरेन्ज वे में रखना थर्ड स्वीप और शाइन सभी इक्विपमेंट और एरिया को क्लीन रखना फोर्थ स्टैंडर्डाइज हाउसकीपिंग के लिए एक इफेक्टिव स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना फिफ्थ सस्टेन यानी इन सभी सिस्टम को कंटिन्यू रखना सभी को ट्रेन करना ताकि हाउस कीपिंग रहे तो आज के इस वीडियो में इतना ही और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून्ड